निशान मातम से कब्र में
बाबा मजलिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज के मजलिस मौनवान चेलुम शबनम फातिमा बिनते मोहम्मद सभी अहलिया हाजी मोहम्मद बिंदी साहब मुनक़िद की गई है। मैं अपने सफर का आगाज इन दो मिसों से करता हूँ कि हाय क्या हो गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, दिल ये मानने को तैयार नहीं और जहन ये सुनने को गवारा, जहन ये बात मानने को गवारा नहीं करता कि हमारी चची शबनम चची इस दुनिया से को इस दुनिया को अलविदा कह के दारे पानी को लब्बैक कहते भी चली गई। लेकिन मौत एक ऐसा सच कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता और बेशक वाकया करबला अगर हमारे दरमियान ना होता तो हमारे लिए इन गमों को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि करबला में हमने ऐसे ऐसे रिश्तों को पायमाल होते हुए देखा कि जिन गम के सामने हमारे गम बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई भी तमीज आप हजरात के सामने नहीं बयान करनी, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे गम को अपने गमों पे मरहम रखने के लिए हमने फर्श अदाए हुसैन हम बिछाते हैं। बेशक एक शौहर ने कुछ बच्चों ने अपनी माँ को का पुरसा लेने के लिए फर्श अदाए हुसैन बिछाई है, अल्लाह उनको सब्र अदा करे। और करबला का वाकया हमेशा अपने मद्देनजर रखना, जहां ऐसे ऐसे रिश्ते मौला हुसैन ने पायमाल किए कि बीवियों को सब्र मिला, बच्चे यतीम हुए, कड़ियल जवान मारे गए और इतने जरा मसायब गुजरे कि हमारे छोटे छोटे मसायब उस मसायब के आगे हेच हो जाते हैं। मैं करबला का जिक्र कर रहा था, मैं अपने सफर का आगाज कर चुका हूँ। तीन शेर और शायर आपके हवाले के सदाए काबे ने दी जब बचा खुदा के लिए, सदाए काबे ने दी जब बचा खुदा के लिए, चला हुसैन मदीने से करबला के लिए। सदा के लिए थोड़ा सा बेदार हो जाए कि सदाए काबे ने दी जब बचा खुदा के लिए, चला हुसैन मदीने से करबला के लिए, तो वहां हुसैन 72 चिराग लेके चले। शेर देखिए मुस्तफा साहब के, वहां हुसैन 72 चिराग लेके चले, दिए बुझाना जहां खेल था हवा के लिए। वहां हुसैन 72 चिराग लेके चले, दिए बुझाना जहां खेल था हवा के लिए, तो ये पहुंचे शाम के ख्वाबो ख्याल में भी ना था, चिराग मसला बन जाएगा हवा के लिए, चिराग मसला बन जाएगा हवा के लिए, चिराग मसला बन जाएगा हवा के लिए। इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब मुश्तबा हुसैनी साहब की बारगाह में कि वो आए और अपना मंजूर नजराना अकीदत बारगाह सैयद उश्शुहदा में पेश करें। और मेरी गुजारिश तमामी शोराए कराम से है कि वो थोड़ा सा इख्तसार के साथ काम लें, क्योंकि मौलाना महसूस काफी दूर से तशरीफ ला रहे हैं और हमें उनको पूरा वक्त देना है। आप हजरात के रूबरू हुआ चाहते हैं जनाब मुश्तबा हुसैनी साहब, एक बुलंदतरीन जीती जाती नारे सलवात से आप हजरात इनका इस्तकबाल करें। शान का है, माइक आवाज खींच रहा है। एक माँ के सारे सवाल में जिसे दो चार बंद माँ के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि कुदरत ने शौक रहम को पैकर में ढाल कर, कुदरत ने शौक रहम को पैकर में ढाल कर, बहरे करम की तहों से मोती निकाल कर, कुदरत ने शौक रहम को पैकर में ढाल कर, बहरे करम की तहों से मोती निकाल कर, अपने सिफात मिट्टी में रखे संभाल कर, फिर इम्तिहान के तपते हुए फिर इम्तिहान के तपते कुएं में उबाल कर, हक ने रुबूबियत का जो मजहर बना दिया, आईना खुद का सूरत मादर बना दिया,
आईना खुद का सूरत मादर बना दिया। माह उदार, माह उदार जिस पे खुदा को यकीन है, माह उदार जिस पे खुदा को यकीन है, परवर खुदा ने उसको चुना वो अमीन है, परवर उस खुदा ने उसको चुना वो अमीन है, खुद अपने आप में वो शरीयत है, दीन है, खिलकत में बेमिसाल वो इतनी हसीन है, मकबूल उसको बाबे इजाबत ने चुन लिया, मकबूल उसको बाबे इजाबत ने चुन लिया, माने दुआएं जो भी कहीं सारी सुन लिया, माने दुआएं जो भी कहीं सारी सुन लिया, माहे उदात जो कि शफात का नाम है, माबूद की वो खास इनायत का नाम है, महशर के रोज अपनी जमानत का नाम है, ताजीम उसकी असल इबादत का नाम है, शौके कयाम रखो हमेशा वजूद में, शौके कयाम रखो हमेशा वजूद में, शाने रुकू में तो निगाह है सुजूद में, शाने रुकू में तो निगाह है सुजूद में, और वाजिब रहा है नबियों पे भी माँ का एहतराम, कुरान बता रहा है कि माँ का है क्या मकाम, ये कौन एक सवाल बहुत मोहम्मद वाजिब रहा है नबियों पे भी माँ का एहतराम, कुरान बता रहा है, कुरान बता रहा है कि माँ का है क्या मकाम, ये है गुनाहे माफ कराने का इंतजाम, इनको पैगंबरों ने भी झुककर किया सलाम, मूसा को लफ्जिशों से भी बेदार कर दिया, माँ मर गई तो हक ने खबरदार कर दिया, मूसा को लफ्जिशों से भी बेदार कर दिया, माँ मर गई तो हक ने खबरदार कर दिया, बेशक मिसाल कोई मोहब्बत की है कहाँ, है शक अगर जहन में जो दिल में कोई गुमा, तो पूछ लो नबी से सरकारे दो जहाँ, क्यों ढूंढते थे फातिमा बिनते असद में माँ, क्यों ढूंढते थे फातिमा बिनते असद में माँ, माँ से नहीं तो माँ की दुआ के करीब है, माँ की शबीह भी जो किसी को नसीब है, माँ की शबीह भी जो किसी को नसीब है, माँ से दगा तो खिदमत दावर फजूल है, माँ से दगा तो खिदमत दावर फजूल है, नाराज ऐसे फर्द का नाराज ऐसे फर्द से हक्का रसूल है, मर्दूद बारगाह अली ओ बतूल है, हसनैन को ना ऐसी मोहब्बत कबूल है, मायूस गर्चे माँ हो तो राजी खुदा नहीं, काबे में भी शहीद हो कोई जगह नहीं, मायूस गर्चे माँ हो तो राजी खुदा नहीं, काबे में भी शहीद हो कोई जजा नहीं, माँ का वजूद क्या है उसी घर से पूछ लो, महरूम जो है साए से उस सर से पूछ लो, माँ का फराज सिद्क पैगंबर से पूछ लो, माँ क्या है बतूल की दुख्तर से पूछ लो, इस गम से बढ़ के कोई जमाने में गम नहीं, बचपन में माँ को खोना कयामत से कम नहीं, एक ताज़ियती नज़्मा हज़रात के सामने पेश कर रहे थे। मैं मौतवाना इल्तमास तमामी शुरा कराम से करना चाहता हूँ कि वो नामले वक्त में जो भी गुंजाइश है उसको मद्देनजर रखते हुए कलाम पेश